हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज भोपाली आपको लेके आ गया है इस वक्त माशाल्लाह भोपाल में। और भोपाल में हम इस वक्त मदरसे में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारे कबीर भाई माशाल्लाह मौलाना इन लोगों के पास लेके आए। सब हमारे बड़े बड़े हजरत हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूँ, करीब लेके आइए थोड़ा सा। कबीर भाई किस लिए जुड़े अपन यहाँ पर बताइए दर्शकों को। हम इसलिए जुड़े हैं कि हमारा जो दान की हुई संपत्ति के ऊपर सरकार एक बिल बनाने जा रही है वक्फिया, और उसको ख़त्म करने के लिए बिल बना रही है। तो हम सब हजरत के पास आए थे, और ताकि वो बिल ना बने तो सभी हजरात को वोट करना है। और बाकी रमीज भाई, 5 दिन बचे हुए हैं वोट करने के लिए। हमारे लिंक में आप नीचे जाएंगे तो 5 दिन के अंदर आपको जितने जल्दी हो सके वोट करना है इंशाल्लाह। और बाकी हमारे हजरत कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप भी बता दें। देखिए, 5 दिन बचे हैं, हम लोगों को सपोर्ट करना है। जो ज्वाइंट कमेटी ने जो बिल बनाया है और पार्लियामेंट ने जो कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा राय दें, तो मेरी तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त है इसमें वक्फिया जायदाद के जो कानून बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग सपोर्ट करें, और उस पर जो लिंक दिया हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लाखों करोड़ों लोग उसमें हिस्सा ले सकें। मेरी उन सबसे दरख्वास्त है। मुफ्ती सलमान साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है ये ह्यूमन वेलफेयर के भी ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। वो वक्फिया जायदाद जिससे मुसलमान ही नहीं दूसरे मज़ाहिब के लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, इस बिल के आने से उनको नुकसान पहुँचेगा। इसलिए आप हजरात अवेयरनेस पैदा करें, और ख़ास तौर पर अपने घर के हर फर्द अपनी गली महल्ले में चल फिर कर इस मेहनत को करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी राय, हमारा एहतजाज, हमारा वोट पार्लियामेंट जॉइंट कमेटी तक, बीजेसी तक पहुँचे। शेर भाई, बीबीएम भी कुछ कहना चाहते हैं थोड़ा करीब से। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब से मुझे बिल के बारे में पता चला है हमारी टीम बराबर काम कर रही है, घर घर लोगों के पास जा रहे हैं हम लोग, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उनको समझा रहे हैं, उनसे मोबाइल लेके खुद हम उसको कर रहे हैं। मेरी सब लोगों से यही गुजारिश है, जैसे मुफ्ती साहब ने सबसे अपील करी है, तो आप लोग भी ये कोशिश करें अपने चैनल से और इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उनको समझा के और घर घर जाके अवेयर करें, और 5 दिन के अंदर जितना ज़्यादा हो ज़्यादा ज़्यादा बोले। हाँ, आज 8 तारीख हो गई, 13 तक टाइम है। वो अरबाज मिर्ज़ा भी आए, थोड़ा सा उनसे भी ले लो आप। Thank you.